लिस्ट। आज हम लोग लिस्ट का प्रोग्राम को पाइथन में कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटीजर्स वैल्यू ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाए जिसमें से हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर्स वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग टाइप किए 10, 20, 30, 40, 50। अब ये लिस्ट वन में वैल्यू स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट वन लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इंटरफेस करेंगे। यहाँ पे जैसे इंटरफेस करते हैं तो हम लोग को वैल्यू जो मिलता है 10, 20, 30, 40, 50 वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया। इस तरह हम लोग लिस्ट ऑफ इंटीजर्स वैल्यूज को यहाँ पे लिस्ट में कैसे स्टोर किए, कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं, ये काफ़ी सिंपल ईजी सिंपल है और बहुत ही ईजी मेथड से इसका। नेक्स्ट हम लोग एक और लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग करेक्टर्स वैल्यूज को लेते हैं। लिस्ट टू इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स ए कॉमा सिंगल कोट्स ई कॉमा सिंगल कोट्स आई कॉमा सिंगल कोट्स ओ सिंगल कोट्स कॉमा सिंगल कोट्स यू और फिर हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट वैल्यू में कैरेक्टर्स वैल्यूज लिए ए ई आई ओ यू। अब हम लोग यहाँ पे जैसे इसको आप इंटीजर्स वैल्यू को हम लोग वैल्यू स्टोर को चेक किए तो उस तरह हम लोग यहाँ पे लिस्ट टू में वैल्यू स्टोर हुआ कि नहीं इसको चेक करने के लिए यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे जो पोजीशंस है इसमें हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो जो वैल्यूज हम लोग बनाए थे लिस्ट टू उसी को आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। लिस्ट टू के अंदर ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा, जैसे आप इंटर कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा जो आप लिस्ट टू में यहाँ पे आप क्रिएट किए। तो इस बार आपका लिस्ट टू में जो वैल्यू आ गया ए ई आई ओ यू, इस तरह वैल्यू आपका लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। इस तरह हम लोग पाइथन लैंग्वेज में लिस्ट का इसी तरह का भी लिस्ट को हम लोग बना सकते हैं, चाहे इंटीजर्स वैल्यू हो, करेक्टर्स वैल्यू हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, तो हम लोग लिस्ट के हेल्प से उसका यहाँ पे प्रोग्राम को बना सकते हैं। फिर इसके आगे हम लोग